ओ तेरी ओ ना मारो रे शाम की मारो ना काम ना मारो भाई। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है मेरे पीछे, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं। हे YouTube फैमिली, स्वागत आपका मेरे चैनल में। मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और फिलहाल इस वक्त हूँ मैं जींद में और अभी बैठे हैं कुछ ये शिकारी और ये आपस में लड़ रहे हैं और पीछे ये खड़ा है अंशु, हेलो कर रहा है आप लोगों को। और भाई अभी आया था मैं एक पार्क में झूलने के लिए क्योंकि मुझे झूला बहुत पसंद है और इनको तो पसंद नहीं क्योंकि ये तो हर रोज़ झूलते हैं। तो चलो एक झूला झूलते हैं और बैठते हैं चलो। और आपको मैं आज कुछ दिखाऊंगा या मैं आपको दिखाऊंगा आज का एकलव्य स्टेडियम जो यहाँ पर फेमस है बहुत। ओए क्यों गया बुशट पाड़ा बुशट पाड़ा और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ से निकलती है एक सड़क जो सीधा ये जाती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी आगे बढ़कर। मैं एक पार्क में हूँ अभी और ये सड़क है ये दिख रही है आपको, ये उधर की तरफ जाती है परशुराम चौक की तरफ और उधर जाती है ये आती है मुझे नहीं पता। तो इन बच्चों के साथ खेलने आया था अभी पार्क में और अभी अपने मामा के घर आया हूँ। तो देख सकते हो कुछ ऐसा है पार्क दिखने में थोड़ा सा, वैसे ये तो सबसे छोटा है, मैं तो बड़े में गया ही नहीं अभी, थोड़ी दूर है जाएंगे अभी। तो गाइस यहाँ पर रवि है और मेरे साथ ये है नीरज और यहाँ पर हम सारे हैं पार्क में, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर है रवि, ये अभी झूला झूल रहा है। गाइस तो अभी हम ऐसे ही यहाँ पर झूल रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ पर रवि को। मेरी बूसट फटी हुई है। क्या किसने फाड़ दी? यूपी ने। अच्छा गाइस अभी हम जाने वाले हैं स्टेडियम में दूसरे। मेरा नाम राहुल है भाई। माय नेम इज नीरज। नीरज माय नेम इज अंशु। नीरज मेरा नाम प्रदीप ऑफिशियल था। ऑफिशियल था ऑफिशियल बामन नाम दिया। ऑफिशियल बामन आईडी कार्ड दी मेरी। तो कह रहा है अलाप से। मेरा नाम अब्बास है। अब्बास I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Guys, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, देखो। ओ तेरी ओ ना मारो रे शाम की मारो ना काम ना मारो। ओ तेरी पर्स साले कैसे और मार नहीं रहे मारे। क्यों है तेरे के ला तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं राम रहीम के एक मेले में। अभी हम जा रहे हैं राम रहीम के एक मेले में। और ये हमारे भाई ब्लॉगर क्या ला है। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है यहाँ पर पार्क एक और बहुत सुंदर पार्क है यहाँ पर एक। और सामने की तरफ हम जा रहे हैं गलियों से और इस कॉलोनी का नाम है अर्बन इस्टेट है ना।
ठीक है। और ये आ रहे हैं पीछे, हेलो तेरा बड़ा पापा। और आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर जो है राम रहीम का वो मेला है, कोई सत्संग है, और आज उसका आयोजन किया गया है, तो हम उसी भीड़ को देखने जा रहे हैं। सुना है कि वहाँ पर 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हुए एक जगह पर, तो अभी आ चुके हैं रोड के पास, और कुछ बच्चे हैं मेरे साथ ये, और तो वहाँ पर करेंगे थोड़ी पब्लिक व्लॉगिंग, देखते हैं कि इनका भी रिएक्शन कैसा होगा और आपका भी कैसा होगा। तो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और पहुँच चुके हैं परशुराम चौक पर, तो पीछे की तरफ देख सकते हैं आप मेरे। और गाइज आपको बता दूं, ये है वो चौक जिसे परशुराम चौक के नाम से जाना जाता है, ये जींद में है और कुछ ऐसा दिखता है, और देख सकते हैं गाइज आप कुछ ऐसे दिखती है मार्केट यहाँ की। और गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन बच्चों का, ये काफी लंबा चला हुआ है, और हम पब्लिक में व्लॉगिंग कर रहे हैं, और कुछ आसपास दुकानें हैं, और मार्केट बहुत अच्छी है, सब चीज़ें मिल जाती हैं, और देख सकते हैं आप कुछ ऐसा सीन है। और आपको एक भीड़ का जमाव दिखाएंगे हम, इतनी बड़ी भीड़ है शायद, मैंने सुना है यहाँ से हमारे पास से दो लोग गए थे पहले भीड़ देखने की कितनी भीड़ है, तो देख के आए तो वो बोल रहे थे कि 4-5 हज़ार लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो चल रहे हैं यहाँ पर, देखो आए हुए हैं, पीछे बस भी खड़ी है मेरे, हिसार अग्रोहा, और कुछ गाड़ियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और अभी चल रहे हैं, थोड़ा बैक सीन आपको दिखा दूं, ये कुछ ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर। पहुंच चुके हैं उस जगह पर, और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कारें हैं, ऊपर से आपको एक व्यू दिखा दूं मैं, बहुत ज़्यादा कारें हैं यहाँ पर, अभी तो हम एक साइड ही हैं, उधर भी कारें बहुत खड़ी हैं, और यहाँ पर गलियों में भी खड़ी हैं, देख सकते हैं आप कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। और यहाँ से हम आए हैं, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है आगे की तरफ, मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और दिखाऊँगा आपको कुछ चीज़ें जो मुझे देखने को मिली। गाइज आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है मेरे पीछे, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, और देख सकते हैं आप पीछे की तरफ बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और बिल्कुल भीड़ से भरा पड़ा है मैदान यहाँ पर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं इस भीड़ में, देखो मेरे पीछे आप कितनी भीड़ लगी हुई है यहां पर, फंक्शन हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं, और हनीप्रीत और राम रहीम के नारे लगाए जा रहे हैं यहां पर, तो देख सकते हैं हम इस भीड़ के साथ ही हैं। और दोस्तों आप देख लो यहां पर ये ऐसा सजा हुआ है सीन यहाँ पर, थोड़ा ये तो बैठने की चीजें है यहाँ पर, देखो ये सोफे रखे हुए हैं, और ये और यहाँ पर ये कूलर लगे हुए हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा आ सके। बोलो क्या हाल है, ठीक है भाई मंदर भाई, क्या हाल है। तो दोस्तों आप कुछ अंदर का नजारा ऐसा देख सकते हैं, कितना भीड़ से खचाखच भरा हुआ है ये माहौल, बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप दूरों तक भीड़ है, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी और कहीं भी नहीं देखी। और अपने डेरा प्रेमी नरेंद्र जी केवल से की बीमारी रहता है, सेवा के पूछनी रहने वाले हैं, उन्होंने जीते जी अपना गुर्दा दान भी किया, तो जीते जी गुर्दा दान में नहीं सीखा। गाइज अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और जा रहे हैं हम एकलव्य स्टेडियम में, जो कि जींद में है एकलव्य स्टेडियम, और पीछे मेरे बच्चे चल रहे हैं और यही घुमा रहे हैं मुझे तो पता नहीं यहाँ का क्या सिस्टम है, और भीड़ यार मैंने कभी नहीं देखी, देख सकते हैं आप कुछ ऐसा दिखता है ये एकलव्य स्टेडियम बाहर से, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो आप इसे देख सकते हैं कि ये कैसा है, तो मैं आगे भी जाकर आपको दिखाऊंगा, ये उस अंदर भी मैं दिखाऊंगा आपको, बस कुछ आप एक बार ये भीड़ देख लीजिए कैसी है। मैं बता दूं कुछ ऐसा दिखता है एक जींद का एकलव्य स्टेडियम बाहर से,
और कुछ ये बच्चे उसके ऊपर भी खड़े हैं, शायद ये इस सत्संग में आए हुए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है एकलव्य HSVP स्टेडियम जींद, और कुछ ऐसा दिखता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके पास में एक पार्क भी है, और अंदर से मैं आपको इसका जो ट्रैक है जिस पर हम दौड़ लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों देख लो आप, मैं आ गया हूँ इस ट्रैक के ऊपर, और देख लो कितना अच्छा ट्रैक है ये यहाँ पर। और धूप तो बहुत ज़्यादा है, धूप तो हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार ट्रैक देख सकते हैं कितना सुंदर ट्रैक है, मैंने पहले कभी नहीं देखा यार, क्योंकि ये सब स्टेडियम में होते हैं इतने अच्छे अच्छे ट्रैक। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही चौड़ा है, चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है ताकि एक समय में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दौड़ सकें। और बीच में कुछ ऐसा दिखता है, और ये इसका फ्रंट व्यू है कुछ ऐसा, ये यहाँ पर जो दर्शक होते हैं वो बैठे रहते हैं, जब भी कोई इसमें आयोजन होता है तो वे यहाँ बैठकर देखते हैं। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं सीटिंग एरिया में, और बस ले रहे हैं आनंद इन छोटे छोटे बच्चों के बीच। और अभी एक मेरा दोस्त आया है, हाय कर। हाय। और भाई मैं जब मैं जींद आया था तो सबसे पहले मैं इससे ही मिला था ना। तो देख सकते हैं कुछ आप आसपास, इसके स्टेडियम के आसपास कुछ ऐसा दिखता है माहौल यहाँ पर।